हे गाइज, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि पर्पल ऐप में अकाउंट कैसे बनाएं, एड्रेस कैसे डालें। तो सारी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अकाउंट बनाएंगे और कैसे एड्रेस फिलअप करेंगे। तो सारी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए गाइज, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइज, आपको करना क्या है कि पर्पल ऐप को ओपन कर लेना है। तो देख सकते हैं गाइज कि पर्पल ऐप ओपन कर लिए हैं। देख सकते हैं गाइज कि 3 पट्टी एक लाइन है ऊपर, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि माई अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। तो माई अकाउंट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि फेसबुक से अकाउंट बनाना चाहते हैं या गूगल अकाउंट से बनाना चाहते हैं या मोबाइल नंबर से बनाना चाहते हैं। तो जिस तरह से बनाना चाहते हैं उस तरह से यहाँ से आसानी से आप बना लीजिएगा, लेकिन सबसे बेहतर रहेगा कि मोबाइल नंबर से बनाइएगा तो अच्छा रहेगा। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। और क्लिक कर देंगे, देख सकते हैं गाइज कि यहाँ पर जब हम क्लिक किए तो यहाँ पर सारा मोबाइल के जो भी नंबर है वो यहाँ पर आ जा रहा है। तो जो भी नंबर से आप अकाउंट बनाना चाहते हैं उस नंबर को क्लिक कर दीजिएगा। और क्लिक कर देने के बाद यहाँ कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो आ जाने के यहाँ कंटिन्यू वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि OTP आएगा, OTP को आपको यहाँ पर डाल देना है। तो चलेगा, ये OTP के लिए हम इंतजार कर रहे हैं कि OTP कितने जल्दी ये आ रहा है। तो देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पर OTP आ गया। तो OTP आ जाने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ इंटर ईमेल आईडी, यानी कि ईमेल आईडी एक आपको इसमें डालना है। तो जो भी ईमेल आईडी आप डालना चाहते हैं यहाँ से आसानी से डाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो देख सकते हैं गाइज कि यहाँ पर ईमेल आईडी हम डाल दिए। और डाल देने के बाद यहाँ कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। और क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से अकाउंट आपका रजिस्टर हो जाएगी। तो हो जाने के बाद आपको कम बोल रहा है क्या कि यहाँ पर अपना फ़ोटो सेव करने के लिए बोल रहा है। फ़ोटो सेव यहाँ पर करना चाहते हैं अपने अकाउंट पर तो सेव कर सकते हैं, अदर नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हम चलिए यहाँ पर कर देते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर क्लिक कीजिए। और क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर गैलरी या कैमरा से जो भी से लेना चाहते हैं वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए हम गैलरी से ले लेते हैं। और गैलरी से लेने के बाद यहाँ अलाउ कर देते हैं। और अलाउ कर देने के बाद यहाँ से फिर आपको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, तो देख सकते हैं गाइज कि यहाँ पर फोटो हम सिलेक्ट कर लिए। और यहाँ पर क्रॉप का एक ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ क्रॉप वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी फ़ोटो आप सेव करना चाहते हैं तो यहाँ आसानी से वो सेव हो जाएगी। तो देख सकते हैं गाइज कि यहाँ पर सेव हो चुका है। तो सेव हो जाने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ से कैंसिल इसको कर देना है। और कैंसिल कर देने के बाद यहाँ से अब एड्रेस आप कैसे डालेंगे। तो गाइज यहाँ पर एड्रेस डालने के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन आप एड्रेस कैसे डालेंगे तो चलिए हम वो भी आपको बता देते हैं। कैसे डालना है, तो यहाँ से कोई भी एक प्रोडक्ट को आपको सिलेक्ट कर लें, यानी कि ऑर्डर नहीं करना है, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। और चलिए हम यहाँ से कोई भी एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं गाइज कि ये शैम्पू है, इसमें हम क्लिक करते हैं। और क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगी। बाद आपको करना क्या है कि यहाँ चेक का एक ऑप्शन दे रहा है, डिलीवरी ऑप्शन चेक, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर पिन कोड अपना डाल कर और चेक कर सकते हैं कि इतने पिन कोड पर डिलीवरी बॉय उपलब्ध है कि नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम पिन कोड डाल देते हैं। तो यहाँ पर जब डाल दीजिएगा तो देख सकते हैं डिलीवरी बॉय 26 जनवरी से उपलब्ध है। तो चलिए यहाँ पर हमको करना क्या है कि यहाँ ऐड टू कार्ड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। और क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर व्यू कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। और क्लिक कर देने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगी। तो ओपन हो जाने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसीड टू पे वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर डिलीवरी एड्रेस का ऑप्शन आ जाएगी, तो यहां से आसानी से अपना एड्रेस डाल सकते हैं। तो गाइस यहां पर देख सकते हैं, फर्स्ट आपको नेम यहां डाल देना है, और दूसरा पिन कोड डाल देना है, और एड्रेस माने कौन सी जगह पर आपका घर है, उस घर का गांव का नाम यहां पर, विलेज का नाम यहां डाल देना है। और डाल देने के लैंड मार्का दे रहा है, तो यहां पर घर के आसपास में जो भी फेमस जगह होगा, मंदिर या मस्जिद या जो भी चीज होगा, वो यहां पर उसका नाम यहां पर डाल देना है, ताकि डिलीवरी बॉय को जाने में वहां आसानी पड़े। तो गाइस यहां पर जब डाल दीजिए, और डाल देने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ सिटी सिलेक्ट करें, यानी कि कौन सी जिला है या
जो सिटी है आपको सिटी के बारे में यहाँ डाल देना है, और स्टेट डाल देना है, और मोबाइल नंबर डाल देना है, और फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर, दो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। तो चलिए हम सारी डिटेल यहाँ पर फिलअप करके अपना एड्रेस दिखाते हैं आपको, और सारा डिटेल यहाँ पर हम फिलअप कर दिए। और फिलअप कर देने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पर होम या ऑफिस, यानी कि आप घर पर मंगवाना चाहते हैं या ऑफिस में, और सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ सेव एंड कंटिन्यू दे रहा है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा एड्रेस जो भी है वो सक्सेसफुल हो गया। तो इस तरीके से गाइज आप लोग पलपल ऐप में अपना एड्रेस फिलअप कर सकते हैं और अकाउंट बना सकते हैं। सो गाइज मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।